एसपी और बीएसपी के महागठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान अखिलेश यादव और मायावती लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाले हैं। लेकिन इस ऐलान से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश और मायावती का एक पोस्टर लगाया गया, जिसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। तस्वीरों में जो सच्चाई है, जो साथ दिख रहे हैं एक साथ, अब वाकई में वो एक साथ आ गए हैं और ये सबसे भारी पड़ेगा अगर किसी के ऊपर, तो वो होगी यूपी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी महागठबंधन को बौखलाहट करार दिया। लोट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। हालांकि इस महागठबंधन में कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया, मगर कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने आह्वान किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। महागठबंधन की शुरुआत भी हुई है, एक मीटिंग हुई भी है। कुछ पार्टियां चुनाव के पहले आएगी साथ में, कुछ पार्टी चुनाव के बाद में आएगी। वहीं बीजेपी से खफा चल रही सुहेल देव पार्टी भी इस महागठबंधन में शामिल है, मगर उसके नेता पर्याप्त सीट न मिलने से खफा हैं। सपा बसपा गठबंधन के पास वोट कहाँ है? ये खाली हवा है, ये सिर्फ हवा है, इस हवा का मुकाबला बहुत आसान है। दिल्ली में 4 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती के बीच बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर मुहर लगी, जिसकी खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी। इस फॉर्मूले के मुताबिक राज्य की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी 37-37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें देने की तैयारी है। वहीं सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एसपी बीएसपी महागठबंधन की 1 सीट छोड़ेगी। इतना ही नहीं, एनडीए से नाराज चल रहे अपना दल के अनुप्रिया पटेल की सीट पर भी ये गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारेगा। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी सीट पर भी एसपी बीएसपी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में ये गठबंधन साझा उम्मीदवार उतारेगा। वहीं एसपी बीएसपी महागठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। लोकसभा चुनावों के लिए एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन की चर्चा पर बीजेपी नेता और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में चुटकी ली। ये 56 इंची जो सीना है, इस बार 66 इंच का हो गया है। हमें मायावती 1% पसंद नहीं, हमारा झगड़ा उनसे 25 साल हमारा झगड़ा चला, अब कैसे जाकर गठबंधन हो गया, समझ रहे हो? दुश्मन दुश्मन मिल रहे हैं तो मोदी जी की घबराहट है, है? मध्य प्रदेश उज्जैन में गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले गैंग के बदमाश का भरे बाजार में जुलूस निकाला। आतंक सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ धमकी भरे पोस्ट डालकर लोगों को डराता था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा और गैंग में शामिल सभी आरोपियों को शहर में पैदल लेकर निकल पड़े। पुलिस के बड़े अधिकारी आगे आगे चल रहे थे तो बाकी पुलिस वाले आरोपियों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। इस दौरान कई बदमाशों का मुंह कपड़े से ढका हुआ था, जबकि कुछ बदमाशों को पुलिस रस्सी से पकड़कर ले जा रही थी। जो सार्वजनिक स्थान पे टेरर फैलाने के लिए जो गैंग गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है, उसको पुलिस ने पकड़ा है। इसमें कुल 5 आरोपी हैं और 5 आरोपियों के कुछ पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों के शीशे तोड़ने के बाद फेसबुक पर फर्जी आईडी पर अपनी करतूतों की पोस्ट डालकर लोगों को डराने के साथ साथ अपनी मार्केटिंग का भी काम ये लोग करते थे। इसलिए ऐसे बेखौफ बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने शहर में बदमाशों का इस तरह से जुलूस निकाला, जो कई सड़कों से होकर गुजरा। इस दौरान बदमाशों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। उत्तराखंड के खटीमा में कुछ लोगों ने एक लड़के को पुलिस वालों की मौजूदगी में बुरी तरह पीटा। आरोप है कि लड़के ने पैसों के लेन देन में एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने लड़के को पकड़ लिया और पीटने लगे। लड़के ने खुद को बचाने के लिए वहां मौजूद एक पुलिस वाले को पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद लोग उसे मारते रहे।
इस दौरान मौके पर दो पुलिस वाले भी मौजूद थे जो लगातार लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और लड़के को पीटते रहे। लड़के को बचाने के लिए हेलमेट पहने एक पुलिस वाले ने एक आदमी को धक्का भी दिया। इसके बावजूद उस आदमी ने लड़के को जोरदार लात मारी। पिटाई की वजह से लड़के के कपड़े भी फट गए और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाईकोर्ट के बाहर ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक जिप्सी का चालान कर दिया। अपनी कार का चालान होने से नाराज एक वकील ने इस जिप्सी के नो पार्किंग जोन में खड़ा होने की शिकायत की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के बाहर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान को दिल्ली पुलिस की जिप्सी का चालान काटना पड़ा। बताया गया कि जिप्सी के ड्राइवर ने चालान काट रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी की मोबाइल फोन पर अपने अधिकारी से बात करवाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई और ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसके हाथ में चालान की पर्ची थमा दी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जिप्सी का ही चालान कर दिया है रोड पे खड़ी होने की वजह से। हालांकि अपनी कार का चालान होने से भड़के वकील ने ट्रैफिक पुलिस पर शुरुआत में पुलिस की जिप्सी का चालान काटने में आनाकानी करने का आरोप लगाया। मेरे रिक्वेस्ट करने पे और बार-बार इंसिस्टेंट करे कि मैं यहां से जा नहीं रहा हूं जब तक आप उसको क्लेम नहीं करेंगे, तब इस गाड़ी को क्लेम किया गया। वहीं चालान की रकम चुकाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जिप्सी के टायर पर लगा लॉक हटा दिया और उसे वहां से जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर महिला जिला अस्पताल में एक मरीज को देखने आए लोगों ने दो सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह पीट दिया। आरोप है कि गार्ड ने उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन वो बाहर नहीं गए और दोनों गार्ड से बहस करने लगे। देखते ही देखते बहस हाथापाई में तब्दील हो गई और लोगों ने दोनों गार्ड को अस्पताल के अंदर ही पीटना शुरू कर दिया। घटना के वीडियो में काली जैकेट पहने एक लड़का गार्ड और कुछ लोगों को वहां से हटने के लिए कहता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान बहस शुरू हो गई और वहां मौजूद दूसरे गार्ड ने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उस आदमी के साथ आए लोगों ने गार्ड को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। दोनों गार्ड ने कमरे में घुसकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों गार्ड अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल के बाहर भाग गए। लोगों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और अस्पताल के बाहर भी उनका पीछा किया। महिला चिकित्सालय होने के कारण वहां लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं, वहां गार्ड जो वहां तैनात थे उन्होंने मना किया, इसी बात को लेकर वो उनसे भिड़ गए। इस दौरान अस्पताल और अब वो विदेशों में बसे भारतीयों के बीच अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वो दुबई में रहने वाले भारतीय छात्रों, कारोबारियों और मजदूरों के बीच पहुंचे। जबकि कांग्रेस का दावा है कि उनके नेता राहुल गांधी की रणनीति वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना नहीं है। केवल वोटों के लिए उनसे नहीं मिलने जा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हम अपने नीतियों में किस प्रकार से बदलाव और परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि हम आपको, आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट को हम भारत में आकर्षित कर सके। जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी के दुबई दौरे पर बेफिक्री जताते हुए रक्षा सौदों के बहाने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी कहीं पर भी जाएं, देश की जनता को इतना बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ वो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह है, जो सुरक्षा उपकरणों का जो दलाल ग्रोह है, अंतर्राष्ट्रीय माफिया जो है, कौन से माफिया के दबाव में वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल इससे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और बहरीन समेत कई और देशों का दौरा भी कर चुके हैं। दुबई में राहुल गांधी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। यूए के दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष ने दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, जहां उन्होंने देश में असहिष्णुता का दावा करते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एट हियर इट इज द ईयर ऑफ टॉलरेंस एंड बैक होम इट इज 4.5 years ऑफ इंटॉलरेंस। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए देश को बांटने का आरोप मढ़ा। माई बिलवेड कंट्री इज बीइंग डिवाइडेड, इट इज बीइंग डिवाइडेड फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। वहीं राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कुछ नहीं, वो देश की धरती और देश की धरती के बाहर जाकर भी नौटंकी करते हैं, राजनीति करते हैं, देश को बदनाम करते हैं और केवल राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा बयान देते हैं। दुबई में राहुल गांधी की सरकार पर हमले से सियासी पारा चढ़ना तय है। दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। राहुल गांधी के यूएई दौरे को उनकी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उनके भाषण के लिए कांग्रेस की ओर से जबरदस्त तैयारियां की गई, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। वी आर फेसिंग एन इलेक्टोरल बैटल इन 2019। आई वांट टू टेल यू विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस दैट वी आर गोइंग टू विन दैट बैटल
एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग इंडिया टुगेदर अगेन। दुबई में राहुल गांधी ने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे का जिक्र किया, साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट किया है दुबई के क्रिकेट स्टेडियम से। राहुल गांधी ने न सिर्फ सीधे केंद्र सरकार पर हमला किया है और साथ ही साथ ये भी तय कर दिया है कि जो 2019 का चुनाव है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इतना ही नहीं, दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष ने खास तौर पर आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश की। द मोमेंट वी विन द इलेक्शन स्पेशल स्टेटस टू आंध्र प्रदेश विल बी डन। भारतीय समुदाय के लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया। राजस्थान के भरतपुर में मौजूद एक सरकारी अस्पताल में अचानक राज्य के चिकित्सा मंत्री के पहुंचने से हड़कंप मच गया। राज्य चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग को अस्पताल में देखकर कर्मचारी हक्के बक्के रह गए और वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ डॉक्टर ड्यूटी के शुरू होने के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी कर्मचारियों ने मंत्री के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आप लोगों का काम बनता है, आपके देखो इन चीजों को आपके लिए भी दिक्कत होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने मरीजों से उनका हाल जाना, साथ ही वो अधिकारियों से वहां के हालात को लेकर चर्चा करते भी नजर आए। इस दौरान अस्पताल से जुड़े कई दस्तावेजों को भी निकलवाया गया। इस बीच उन्होंने गेट पर खड़े एक गार्ड को भी फटकार लगाई। 16 डॉक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, कुछ नर्सिंग केयर के भी हैं। मैं निर्देश दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। अस्पताल से निकलने के बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री सुभाष गर्ग के अस्पताल के इस दौरे के दौरान अलग अलग विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में दो गाड़ियों की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली में गाड़ी के गलत तरीके से मोड़ने के दौरान आपस में भिड़ी दो कारों की वजह से हुए हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यूपी के हरदोई में फर्जी आबकारी अधिकारी का दावा कर लोगों से लाखों की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के नवघर इलाके में ड्रग तस्करी के आरोप में 2 विदेशी लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4.5 लाख रुपए की कोकीन बरामद की गई। मुंबई में एक्सिस बैंक के एटीएम से 28 लाख रुपए लूटने के मामले में मुख्य आरोपी का यूपी के जौनपुर से फांसी लगा शव मिला। नोएडा के सेक्टर 62 में एक निजी कंपनी के मालिक से लूट की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कस्टम विभाग ने महाराष्ट्र में बनी 50 लाख रुपए की देसी शराब की बड़ी खेप को पकड़ लिया।